Hi everyone, I'm Kinzel and welcome to my channel. After Meesho haul, I am back with another haul video and this is a heels haul. I have ordered a couple of heels from Myntra and all are priced under rupees 800. So without any further ado, let's get into the video. So, I have in total 7 heels ordered here, जिसमें से कुछ same brands के and कुछ different brands के. We'll go from ascending order to descending. जिस brand की सबसे कम heels है, उससे start करेंगे and then we'll move further, okay? तो सबसे पहले है हमारी ये पेस्टल हील्स. ये दीज पेस्टल हील्स, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कलर. मिंट कलर है, पेस्टल ग्रीन कलर है. बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत प्यारा कलर है. बट इसकी लाइन मुझे पसंद नहीं आई. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कम्फर्टनेस, ये ओके कम्फर्ट है. मतलब बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है. ऐसे कि आप 2-3 घंटे किसी पार्टी में पहन सकते हो, बट आफ्टर दैट आपका पैर में हर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. और एक और अच्छा पार्ट है कि यहाँ पर ना स्लिप नहीं होगा, ठीक है. यहाँ पर ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज दिस, पर ये दिस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम स्लिपिंग, ठीक है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि ना, जो भी ट्रांसपेरेंट हील्स होती है, इसमें सबसे बुरा पार्ट ये होता है कि सब में नेल्स दिखती है. मतलब ऑल्दो कोई ऐसे झाँक के नहीं देखता कि वो तुम्हारी हील्स में तो नेल्स दिख रही है एंड वट एवर, बट स्टिल आई डोंट लाइक दैम. बट ठीक है, कभी कभी कंसिडरेबल होता है कुछ हील्स में, इट्स ओके. तो हर हील्स में ये दिक्कत तो होती ही है. मतलब आप किसी भी अच्छी ब्रांड की ले लो या कहीं से भी ले लो, एक नॉर्मल स्टोर से ले लो या किसी वेबसाइट से ले लो, किसी ऐप से ले लो, फिर भी ये दिक्कत तो हर ट्रांसपेरेंट हील में होती है कि नेल्स विजिबल होते हैं. एंड कम्फर्टनेस का तो मैंने आपको बताई दिया, इतनी ज़्यादा कम्फर्ट नहीं है ये. बाकी स्टिल आई लाइक इट. एंड इसमें मेरा सारी हील्स में मेरा साइज़ है 39. यूरो साइज इज़ 39 एंड UK साइज इज़ 6. एंड इसका प्राइस इज़ 599 रुपीज़. मैंने इसे सेल में लिया था तो मुझे 599 की पड़ी. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट हील्स, विच इज़ दिस वेरी प्रिटी ब्राउन कलर्ड हील्स फ्रॉम वेयोना. दिस इज़ वेरी 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 कम्फर्टेबल. इसमें पूरी हील्स में लाइक पीछे से लेके आगे तक ऐसे कुशन है, तो ये ऐसे पूरा प्रेस हो जाता है. इट्स वेरी कम्फर्टेबल. हील्स काफ़ी प्रिटी है इसकी. इन हील्स का नाम होता है ब्लॉक पम्प्स. इन्हें ब्लॉक पम्प्स बोलते हैं. इट्स वेरी प्रिटी. एंड यहाँ पर आगे ऐसा बो दिया हुआ है, इफ़ यू कैन सी. बाकी इसमें द वन प्रॉब्लम इज़ कि इसका ना थोड़ा यहाँ से स्टाइल थोड़ा अलग है. मतलब इसका जो पैटर्न बना हुआ है ये थोड़ा अलग है. तो इसमें ना जिन लोगों के पैर थोड़े ब्रॉड होते हैं, उसमें उनका पैर ना थोड़ा बाहर जा सकता है. जैसे मेरा ना एक पैर हल्का सा ब्रॉड है और एक पैर थोड़ा पतला है. तो जो ब्रॉड वाला पैर है वो हल्का सा ना मेरी लास्ट वाली फिंगर बाहर जा रही थी. तो आई कैन टेल कि इसमें ब्रॉड पैर वाले लोगों के लिए ये हील्स इतनी ज़्यादा आई थिंक इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि उनका पैर ऑब्वियसली बाहर निकलेगा, विच विल कॉज डिसकम्फर्ट. तो या बहुत प्रिटी है एंड ऑब्वियसली ब्राउन कलर तो प्यारा लगता ही है. एंड और इसका प्राइस है 749. आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर 749 क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है. आई लव इट. नाउ द नेक्स्ट ब्रांड इज डेनिल. डेनिल की सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक हील्स. ये ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हील्स है, बेज कलर में है एंड ये पूरा ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप है इसका. हील्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, हील्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट. एंड कम्फर्ट ओके कम्फर्ट है. मतलब आप पहन सकते हो 4-5 घंटे तो आराम से पहन सकते हो बिना दिक्कत के. द नेक्स्ट इज कि यहाँ से जो उसका शेप है ना, ये भी बहुत परफेक्ट है. मतलब पैर को एकदम रेस्ट दे देता है, तो इसीलिए ये डिस्कम्फर्ट कॉज नहीं करेगा. बट उन्हें कर सकता है जिन्हें ऑलरेडी पैर में मतलब तो हल्के से भी कुछ भी ऐसे पैर का हल्का सा भी दबता है तो उन्हें शू बाइट बहुत जल्दी होता है. तो उनके लिए दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली पैर तो दबता ही है, तो शू बाइट होने के चांसेस आपको है ज़्यादा. बट कम्फर्टनेस की बात करें तो कम्फर्ट तो बहुत बढ़िया है. एंड इसका प्राइस है 699 रुपीज़, विच आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है. बट इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन. मुझे अच्छी लगी है. एंड या दैट्स इट अबाउट दीज हील्स. Now again come the next, again nude beige heels, and these are very pretty. These are very 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 pretty heels. And आगे से ऐसा square है इसमें,
एंड इसमें भी स्क्वायर था, दिस ब्राउन वाली में भी स्क्वायर था. आगे से इसमें स्क्वायर ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न बना हुआ है एंड दिस इज मैट, मतलब पूरा से मैट टेक्सचर में यही है. एंड इसकी हील्स इज कोन शेप्ड हील्स, मतलब एकदम ब्लॉक हील्स नहीं है, थोड़ी कोन शेप्ड हील्स है. बाकी कम्फर्टनेस की बात करें तो देखो यहाँ पर इसका कुशन लगा हुआ है बट आगे जाते जाते नहीं है, मतलब सिर्फ पीछे के थोड़े से पार्ट में, लाइक हाफ तक, इधर तक कुशन दिया हुआ है. अगर यहाँ पे दिख रहा हो आपको, बस यहाँ तक है यहाँ से. तो आई थिंक इट्स ओके, मतलब कंफर्टेबल तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे, बट स्टिल 1-2 hours के हिसाब से सही है. एंड इसका प्राइस है 549 rupees एंड ये सबसे लीस्ट प्राइज हील है इस पूरे हॉल की, बट इट्स वेरी प्रिटी, इट्स प्रिटीएस्ट, आई लव इट. अगेन जो नेक्स्ट हील है ना उसका मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये हील ना कम्प्लीटली आउट ऑफ माई टेस्ट है. मैं ऐसा कुछ भी आज तक नहीं पहनी हूँ, मतलब मुझे ना पसंद ही नहीं आता ये सब कुछ, बट आई थॉट इस बार थोड़ा कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं. सो आई ऑर्डर्ड दिस बट आई थिंक दिस, पर चलो पहले हील्स देखते हैं फिर बात करते हैं. ओके 1, 2, 3 पता नहीं इतनी लाइट क्यों आ रही है इस पे, अरे कैसे दिखाऊं. 3 hours later दिस इज दिस ऑरेंज नियॉन ऑरेंज कलर्ड हील्स, एकदम पेंसिल हील्स है जो मैं कभी पहनती नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल भी, एवर एवर इन माय लाइफ मैं पहनती नहीं हूँ, जो पसंद ही नहीं है. फिर भी मैंने सोचा कि चलो आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना है तो ऑर्डर कर लेती हूँ, बट क्यों किया मैंने इसको ऑर्डर. दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव हील्स ऑफ दिस होल हॉल. यहाँ पे ऐसे 2 straps दिए हुए हैं इसके, यार इसमें बहुत लाइट आ रही है, आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक ऐसे कुछ दिखाना पड़ेगा. इसमें ना ऐसे 2 straps दिए हुए हैं, आगे से स्क्वायर है एंड इसमें कुशन भी, कुशन कितना सा दिया हुआ है, इतना सा कुशन दिया हुआ है इसमें, आई डोंट नो, वो भी हार्ड है थोड़ा, सॉफ्ट कुशन नहीं है. एंड इसकी हील्स सुपर 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 अनकम्फर्टेबल, नहीं पहन सकती इसको मैं, इसको मैं 2 minutes भी नहीं पहन सकती, 50 meters भी नहीं घूम सकती हूँ इसको पहन के, अ कम्प्लीट कम्प्लीट नो फॉर मी. और इस देखो कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली फिसल जाऊंगी मैं तो. एक तो मुझे चलना नहीं आता पेंसिल हील्स में, ऊपर से ये क्या है, इतना इतना सा चिकना चिकना ही है, मैं पूरी फिसल जाऊंगी कहीं पे भी जाऊंगी तो. सो दिस हील्स इज अ बिग बिग नो फॉर मी. मूविंग ऑन, अच्छा इसका प्राइस तो पता नहीं भूल गई, प्राइस था इसका 798 rupees. ये वन ऑफ द हाइएस्ट प्राइज हील्स है इस हॉल की एंड ऑल्सो द मोस्ट मोस्ट अनकम्फर्टेबल हील्स है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हील्स विच इज दिस न्यूड पिंक हील्स, अगेन ट्रांसपेरेंट, यार आजकल अच्छी लगती है ना ट्रांसपेरेंट, बहुत इन है, प्यारी लगती है. और इसकी तो हील्स भी ट्रांसपेरेंट है. ओके पहले इसके बारे में बात करते हैं. आगे से कर्व है ठीक है एंड ट्रांसपेरेंट इसका स्ट्रैप है. यहाँ पर ना हल्का सा ऐसा पिंक कलर दिया हुआ है, मतलब वो बहुत मिनिमल सा पिंक आउटलाइन पे ऐसा दिया हुआ है, बाकी प्यारा लग रहा है ये. एंड यहाँ पर पिंक कलर है, यहाँ पर न्यूड कलर है एंड इसमें कुशन दिया हुआ है, कुशन है ही नहीं, बहुत हार्ड है, दिस इज़ नॉट कुशन. कम्फर्टनेस की बात करें तो कम्फर्ट तो ये है, नॉट लाइंग, इट्स वेरी कम्फर्टेबल, कुशन नहीं है बट स्टिल बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. बस दिक्कत ये है जिनको शू वाइट बहुत ज़्यादा जल्दी होता है उनके लिए हील्स बिल्कुल भी नहीं है, नो नॉट एट ऑल, आप नहीं पहन सकते हो इस हील्स को. अगर आपको फोटोज़ के लिए चाहिए या सिर्फ आधी पौन घंटे के लिए पहनना है देन इट्स फाइन, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप नहीं पहन सकते हो, ये बहुत जल्दी शू वाइट हो जाएगा आपको. अगेन देखो नेल्स दिख रही है, हर ट्रांसपेरेंट हील्स में दिखती है, नो बिग इशू, कौन देख रहा है. एंड यस सो डन फॉर दिस हील. ये हील है आई गेस, ये हील है 3 inches की, आई थिंक सारी ही ऑलमोस्ट 2-3 inches की हील्स है, उससे ज़्यादा लंबी सिर्फ एक ये थोड़ी सी लंबी थी, बाकी तो सब छोटी छोटी हील्स बुलवाई है मैंने क्योंकि ऑलरेडी मेरी हाइट इतनी लंबी है तो मेरे को लगता है बड़ी हील्स पहनकर तो मैं कहाँ जाऊँगी, मतलब कहाँ ही. सो मैं ज़्यादा बड़ी हील्स नहीं पहनती हूँ, छोटी छोटी हील्स, वेरी प्रिटी, आई लव इट. मूविंग ऑन टू वेरी लास्ट हील्स ऑफ दिस हॉल विच इज दिस वन, अगेन बेज कलर. इसमें मैंने ऑर्डर किया था हॉट पिंक कलर लेकिन मुझे आया है
बेज कलर, मिंत्रा ने मुझे बेज कलर भेज दिया है, कोई बात नहीं मैं एक्सचेंज करा लूँगी। बट इस हील्स के बारे में बात करते हैं, इसका इसका टेक्सचर है स्नेक स्किन वाला जो टेक्सचर होता है ना वो टेक्सचर है इसका। यहाँ पर ऐसी मस्त, यहाँ पर ऐसा ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप है उसके ऊपर ये लगी हुई है, इसकी छोटी सी ऐसी पट्टी लगी हुई है इस तरफ से एंड इस तरफ से, सेम यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप है और इधर भी दी हुई है एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल, इट्स द मोस्ट कम्फर्टेबल हील्स इन दिस होल हॉल। मतलब वेरी प्रिटी एंड वेरी कम्फर्टेबल, मतलब दिस इज लाइक मस्ट हैव, इसको तो ले ही लो ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत प्यारी है। मतलब आई डोंट नो मैं कितनी बार मतलब बोलने वाली हूँ बट व्हाटएवर। इसकी हील्स 2 इंच की हील्स है, लाइक बहुत छोटी सी हील्स है बट लुक्स वेरी प्रिटी आफ्टर वेयरिंग, मतलब बहुत ही प्यारी लगती है एंड इसका टेक्स्चर भी आई लव इट। बट ना मुझे ये हॉट पिंक में चाहिए थी, मुझे सिंस वेरी वेरी लॉन्ग हॉट पिंक में एक फुटवेयर तो चाहिए ही, तो मैंने इसको हॉट पिंक में ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उन्हें लगा कि मेरी चॉइस ही न्यूड है, मतलब तो उन्होंने क्योंकि मैंने इतना सब कुछ न्यूड में ऑर्डर किया था उन्होंने सब मुझे न्यूड भेज दिया। बट इट्स ओके, एक्सचेंज करा लूँगी। इसका प्राइस इज 798 रुपीज़ एंड जो मैंने पिंक वाली दिखाई इसका प्राइस इज 749 रुपीज़। सब में मेरा साइज है यूरो 39 एंड यूके के हिसाब से है 6 एंड सो दिस एंड्स आर हॉल। सारे फुटवेयर्स हो गए हैं कंप्लीट, मैंने 7 फुटवेयर्स ऑर्डर किए थे इन टोटल एंड जिसमें से एक सबसे बुरा आया विच इज दिस नियॉन वाला, आई हेट इट, मतलब कभी नहीं बुलाऊंगी मैं ये कलर नहीं बट ऐसा कुछ पेंसिल हील्स एंड स्ट्रैपी। एक्चुअली ना इसके स्ट्रैप्स भी बहुत पतले हैं तो इसीलिए भी हो सकता है कि मुझे इतना अनकंफर्ट हो रहा हो और मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है तो पॉसिबल हो सकता है आपके पैर को सूट हो जाए, मेरे नहीं हुई, कोई बात नहीं। अब इसमें से मेरी मोस्ट फेवरेट, अगर आप मुझसे पूछो मेरी मोस्ट फेवरेट हील्स है अनडाउटेडली दिस वन, कम्फर्टनेस लुक और क्या बोलते हैं यार, बस इतना ही होता है ना, सब कुछ 10/10 है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, आई जस्ट लव इट। एंड द सेकेंड वन इज दिस डेनिल वाली, दिस इज वेरी 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 प्रिटी दिस एंड ये वाली, दीज आर मस्ट हैव्स, मतलब होना ही चाहिए। सो दिस एंड्स आर हॉल एंड If you haven't subscribed yet, so go subscribe now. अभी तक क्या कर रहे थे, पूरा वीडियो देख लिया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो मुझे कॉमेंट में बताओ अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग या हॉल वीडियो या कुछ भी चाहिए हो, मेकअप वीडियो, एनी थिंग, मुझे जाओ कॉमेंट सेक्शन में बताओ, आई एम हेयर टू मेक वीडियोज फॉर यू। सो येस, दिस ब्रिंग्स दिस वीडियो टू एन एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।